धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी बोले, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग दिखाते हैं मानव कल्याण का रास्ता, पंचशील सिद्धांतों का दिया हवाला। द एट फोल्ड पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा शोज द वे टवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ मैनी सोसाइटीज एंड नेशंस। इट हाईलाइट्स the importance of compassion and kindness. The teachings of Lord Buddha celebrate simplicity both in thought and action. Buddhism teaches respect. Respect for people, respect for the poor, respect for women, respect for peace and non-violence. Therefore, the teachings of Buddhism are the means to a sustainable planet. चीन के खेल में मोहरा बनने को तैयार है पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की आपस में हुई बैठक। इमरान खान ने टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर की बुलाई मीटिंग। कोरोना वायरस को लेकर WHO ने जारी की नई चेतावनी। कहा, आने वाला है कोरोना वायरस का सबसे बुरा दौर। अब तक दुनिया भर में 10,80,00,000 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। 5,20,000 लोगों की हो चुकी है मौत। सोमवार तक बची नेपाल के पीएम ओली की कुर्सी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने रद्द की बैठक। अब सोमवार की बैठक में कुर्सी पर होगा अंतिम फैसला। पीएम के विरोध में है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादातर मेंबर्स। चीन को यूपी सरकार ने दिया बड़ा झटका। सीएम योगी ने खारिज किया कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का बड़ा टेंडर। BD ट्रांसपोर्ट इंडिया को मिला टेंडर। कारोबार पर ब्रेक लगाकर चीन को सबक सिखाने की कवायद तेज। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर संग्राम जारी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने MMR रीजन में दौरे के बाद उद्धव सरकार पर बोला हमला। इंतजाम नहीं हुआ तो कंट्रोल के बाहर जा सकता है कोरोना। वेंटिलेटर और आइसोलेशन वार्डों की बताई जरूरत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस जवानों को शहीद करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। JCB से गिराया गैंगस्टर का मकान। विकास दुबे को गिरफ्तार करने पुलिस ने बनाई है 20 टीमें। कई इलाकों में जारी है दबिश। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं 12 लोग। उत्तराखंड के रायपुर विधानसभा में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ निकाली साइकिल यात्रा। मोदी सरकार के खिलाफ लगाया नारा। प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, जनता के साथ अन्याय कर रही मोदी सरकार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में यूनानी चिकित्सा निदेशालय के निर्देश पर कोरोना से बचाव के लिए शुरू हुआ जागरूकता अभियान। नागरिकों को पिलाया जा रहा है यूनानी जोशांदा काढ़ा। कोविड से निजात दिलाने की पहल। बिहार के मोतिहारी जिले में नेपाल भारत सीमा पर बने गुआरी बांध का पैमाइश का काम हुआ पूरा। भारत नेपाल की संयुक्त सर्वेक्षण टीम कर रही थी मुआयना। सीमांकन के बाद दोनों देशों की ओर से 10-10 गज जमीन होगी नो मैंस लैंड। बिहार के पटना में जल जमाव पर राजद नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, 2 घंटे की बारिश में डूब गया पटना तो बाकी इलाकों का क्या होगा हाल। डबल इंजन की सरकार पर कसा तंज। विकास की गंगा के बदले बाढ़ में डूबा रहे पटना। भ्रष्टाचार का मढ़ा आरोप। पिछले साल के गलतियों से कोई सुधार यहाँ की सरकार ने नहीं किया। ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरीके से, नल नाला की व्यवस्था पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। नक्शा नहीं है। सम्प हाउस पंप हाउस क्या कर रहा है। इतने करोड़ों लाखों करोड़ों से मशीनरी खरीदी गई थी कि पानी का निकासी का काम करेगी, कहाँ गया। ये तो 2 घंटे की बारिश से ये पटना का जो स्थिति है ये डूब गया। आप समझ सकते हैं कि मंत्री का आवास जो है वो डूब गया है। ये लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार जो है विकास की गंगा बहाएगी, अभी पूरा घर उनका आवास डूबा हुआ। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का खेल है। लेटेस्ट अपडेट
अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।